हेलो हेलो, मैं हूँ फैक्ट भाई। और पुनीत वर्सेस एमसी स्टैन की लड़ाई में पुनीत के बड़े फॉलोअर्स और स्टैन के हो गए कम। पर ये सब होने के पीछे एक अहम वजह है, वो तो जानेंगे ही। पर आइए जानते हैं कि एक ही बस्ती से होते हुए भी कैसे इन दोनों में छिड़ी जंग। लेकिन इतना ही नहीं, फैक्ट भाई आपके लिए वो राज भी लाया है जो पुनीत सुपरस्टार की सरेआम पिटाई का कारण है। और इसके साथ जानेंगे कि एमसी स्टैन पर लगा मर्डर का आरोप भी तो इस लड़ाई में शामिल नहीं है। इस सब का खुलासा होगा फैक्ट भाई की कोर्ट में, जहां दोनों को पॉइंट्स दिए जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि इस लड़ाई में कौन है असली जीत का हकदार। नंबर वन, लफड़ा हो गया भाईलो। तो लफड़ा ये है भाईलो कि पुनीत के बिग बॉस ओटीटी पे एंट्री मारते ही एमसी स्टैन ने उनसे उनके क्रिंज कंटेंट पे सवाल कर दिया। समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती, नहीं क्या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे, नहीं क्या। और पुनीत ने बिना स्टैन का मुंह बिगाड़े जवाब में अपने कंटेंट को सच्चा और लोगों को जो सोचना है सोचे कह दिया। अब वो उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे, मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बाकी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। पर स्टैन तो स्टैन, बिना कॉन्ट्रोवर्सी इनका कैसे चलेगा। तो बस इन्होंने भी पुनीत के कंटेंट को क्रिंज बोल दिया। मेरे को भी क्रिंज लगा, लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो बस बच गया इन दोनों के बीच महासंग्राम का बिगुल। और इस महासंग्राम का पहला पड़ाव है नंबर टू, बिग बॉस का घर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पुनीत हमारा ऐसा काम करेगा, पर पापा ये भी ना जाने कि 24 घंटे में पुनीत ने घर से बाहर की टिकट कटा ली। असल में कोलगेट के फेस वॉश की तरह मुंह पे लगाने और हैंड वॉश से नहाने के बाद पुनीत को घर से निकल जाने की वार्निंग मिली थी। फिर क्या, पुनीत बौखला उठे। इसके बाद गेम सिंपल था, बिग बॉस ने बाकी मेंबर्स की वोटिंग ली, सब पुनीत के खिलाफ बोले और पुनीत बिना टास्क घर से रफा दफा हो लिए। अब एक तरफ है तो दूसरी तरफ पी टाउन की हस्ती एमसी स्टैन बिग बॉस की एंट्री से लफड़े और लफड़े से विनिंग तक के ये 18 हफ्ते बिग बॉस के घर में रहे। और जिसको बिग बॉस ने ट्रॉफी दे दी उससे फैक्ट भाई पॉइंट कैसे छीन सकता है, यानी ये पॉइंट तो स्टैन ले गए। नंबर थ्री, नल्ले बेरोजगार छपरी। ये साले आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भी मंगे, चोर जेब कतरे और साले। लॉर्ड का हर दूसरा वीडियो ऐसा ही होता है, या तो वो गाय की जगह सुअर को खाना खिलाते हैं, तो कभी वो लोगों को रोस्ट करते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि इसके अलावा वो क्या करते हैं, तो भाई लोग यही इनकी रोजी रोटी है, जहां वो टिकटॉक बैन होने के पहले 25,000 वीडियोस बना चुके हैं और अभी इंस्टाग्राम पर 27,000। और भाई लोग, ये कोई नल्ले बेरोजगार छपरी नहीं है, वो बर्थडे एनिवर्सरी और इवेंट्स में जाकर अपनी कमाई कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाना बजाना करने वाले स्टैन रैपर के अलावा म्यूजिक कंपोजर, पोएट और एक इंजीनियर भी है, जिसके साथ साथ एमसी स्टैन आज तक कई सॉन्ग्स और दो एल्बम निकाल चुके हैं। मगर रैप वर्ल्ड के अलावा इन्हें लोग तब जानने लगे जब इनका एक क्लिप वायरल हुआ। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। जिसके थोड़े ही समय में स्टैन बिग बॉस में आए और विनर बनकर उन्होंने और फेम पा लिया। पर फैक्ट भाई के कटघरे में इन्हें ही फेम का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए पॉइंट्स इन दोनों को दिए जाएंगे। नंबर फोर, किसने जीते है कितने दिल। एक एक रिक्शे वाला, रेडी वाला, ठेली वाला, दुकानदार, काम धंधे वाला, बिजनेस वाला, ये वाला, वो वाला। पुनीत सुपरस्टार झूठ नहीं बोलते, लोगों ने इनके इतने चर्चे मारे कि बिग बॉस का घर छोड़ने के बावजूद 330K से 2.5 मिलियन फॉलोअर्स रातों रात बन गए। लेकिन इनके फॉलोअर्स के फायदे में स्टैन का नुकसान हो गया, बोले तो एक दिन में 44K फॉलोअर्स गायब। और पिछले एक हफ्ते में 11.1 मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स की गिनती 10.9 हो गई। हालांकि लॉर्ड पुनीत के फैंस यही नहीं रुके, इन्होंने तो अंबानी का धंधा पानी भी मंदा करने का प्लान कर लिया है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। फैंस का कहना है कि पुनीत के लिए उन्होंने जियो सिनेमा इंस्टॉल किया था, अब वो आउट तो मोबाइल से ऐप भी आउट, जिस वजह से बिग बॉस से पहले जियो सिनेमा की रेटिंग 4.1 थी और अब रह गई 2.0। लेकिन इस सब के बीच हैरान करने वाली खबर तो खुद पुनीत ने दी। लक्ष्य चौधरी के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उन्हें स्टैन का पर्सनल मैसेज आया, स्टैन को उनके कॉन्टेंट को क्रिंज बोलने के लिए कहा गया था। मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा। और पुनीत ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें निकालने की साजिश थी, जानबूझकर मेंबर्स का वोट लिया, जनता का नहीं। जनता का वोट उन्होंने इसलिए नहीं लिया ना कि उनको पता है पुनीत सुपरस्टार के
साथ पूरी पूरा हिंदुस्तान है, पूरी पब्लिक है। वेल इस डील जीत लेने वाली बात पे फैक्ट भाई ये पॉइंट पुनीत को देगा। नंबर 5, बस्ती का हस्ती। अब कोई स्टार होगा तो उसकी स्ट्रगल स्टोरी भी होगी और इन दोनों की भी है। एमसी स्टैन 12 साल की उम्र से कव्वाली गाते थे और फिर एमिनेम से इंस्पायर होकर इन्होंने उनके गाने स्टैन से अपना नाम एमसी स्टैन कर लिया और कई सालों की मेहनत के बाद 2018 में वाटा एल्बम से ये फेमस हुए और उसके बाद तो इनके ये गाने हर गली मोहल्ले में बजे। लेकिन एक तरफ मैग स्टैन फेमस हो चुके थे, वहीं पुनीत ने अपने फेम का सफर शुरू भी नहीं किया था। पुनीत का करियर 2019 में टिकटॉक से शुरू हुआ था, लेकिन कजिन से इंस्पायर होकर हजारों वीडियो डालने के बाद भी जब लाइक्स नहीं मिले तो इन्होंने पब्लिक को कुछ नया और हटके देना शुरू किया। और बस एक वो दिन था और एक आज का दिन, पुनीत छींक भी मार दें तो वीडियो वायरल हो जाती है। यानी किसी का स्ट्रगल पहले शुरू हुआ तो किसी का बाद में, पर स्ट्रगल इन दोनों ने ही किया। यही वजह है कि फैक्ट भाई इस मुकाबले में किसी एक को नहीं, दोनों को एक एक पॉइंट देगा। नंबर 6, नाम और शोहरत। लुई विटॉन का जैकेट 4.5 लाख एंड विटॉन का टी शर्ट 2.5 लाख, और ये तो बस शुरुआत है। 80,000 के जूते अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 1.5 करोड़ का पेंडेंट, ब्रेसलेट और अंगूठी और टोटल 5 करोड़ की दो कार भी इनके नाम है। तभी तो सोशल मीडिया पर स्टार कम रैपर स्टैन की नेटवर्थ 15 से 20 करोड़, और ये पैसा आता कहां से है? वेल स्टैन का एक शो 25 लाख का होता है, यूट्यूब से हर महीने 1 लाख तो मिल ही जाते हैं, और उस पे बिग बॉस के घर में पर वीक 7 लाख यानी 18 हफ्ते के 1.26 करोड़ बने, और ट्रॉफी और प्राइज भी मिला। पर इस मामले में पुनीत का गेम थोड़ा कच्चा है। किसी वेबसाइट पे इनकी नेटवर्थ 25 लाख से 10 करोड़ दिखती है तो किसी पे 1 से 2 करोड़। इसके बावजूद पुनीत अपनी सच्ची नेटवर्थ नहीं बताते। उनके अर्निंग का बड़ा सोर्स सोशल मीडिया तो है, पर बर्थडे विश करके पर पर्सन 1,000 से 2,000 कमाने की न्यूज तो आपने सुनी होगी। लेकिन सबसे महंगा है इनका इंटरव्यू, 25,000 ओनली, और फिर भी कहते हैं कि कार की किश्त नहीं भरी जा रही। मतलब इनका प्रयास तो जारी है, बस तिजोरी भरने की देर है। इसीलिए ये मुकाबला कुबेर के खजाने पर विराज स्टैंड को जाता है। नंबर 7, कंट्रोवर्सी के सरताज। मेरे पे मर्डर की केस भी चालू है, क्या बोलूं? स्टैन के इस बयान में कुछ सच्चाई छुपी है, क्योंकि इन पे लगे आरोप ही इतने हैं। पहला कि इन्होंने अपनी एक्स को पिटवाने के लिए गुंडे भेजे थे, और दूसरा कि इन्होंने एक आदमी को पीट के पोस्ट तक डाला था। वेल चाहे ये कहानियां स्टैन के फेमस होने के पहले की थीं, लेकिन इनके फेमस होने के बाद भी ये कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है। दरअसल ये है ना, गानों में इसके गाली गलौज अपशब्द यूज हो रहे हैं, ये सिखाएगा हिंदुस्तान के बच्चों को। ये तब हुआ जब इंदौर में स्टैन के कॉन्सर्ट में बजरंग दल वाले घुस गए थे। पर कंट्रोवर्सी में हमारे पुनीत भी पीछे नहीं है। बड़ी दोपहर रास्ते के बीच हार पहना के पीटा गया था पुनीत को, लेकिन असलियत कुछ और है। भाई बन रहे। इस वीडियो में दिखने वाला ब्लू शर्ट का आदमी पुनीत का अजीज दोस्त है। मेरा दिल्ली कनॉट प्लेस के चाहने वाले तो दोस्तों छोटा शाहरुख भाई, मानव ढींगरा भाई, दोनों भाई स्टार रह चुके हैं और आज भी स्टार हैं। ऐसे ही लफड़े करते हुए बिग बॉस के घर तक पहुंच गए। इसे देख राहुल वैद्य ने भी पुनीत की मानसिक संतुलन पर सवाल उठाया, लेकिन कंट्रोवर्सी के सरताज दोनों होने के कारण यहां पॉइंट दोनों को ही मिलेंगे। नंबर 8, समाज सेवा। 8.5 लाख लोगों से भरा पड़ा दुनिया का 5वां भीड़ भाड़ वाला इलाका धारावी है, और अब इसे सुधारने की जिम्मेदारी स्टैन लेने की सोच रहे हैं, जहां अब वो अपने जीते हुए सारे पैसों को इस बस्ती की हस्ती में लगाना चाहते हैं। पर लॉर्ड साहब थोड़े हटके हैं, जहां वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं। 90% जो मेरे पे, 80% जो कहीं से मेरे पे पेमेंट आती है ना, तो मैं उसको गरीबों में मैं अपने खाना खिला देता हूं। वो गरीबों में चीजें बांट सके, इसलिए उन्होंने एक गाड़ी तक ले रखी है। इसलिए लिए कि मैं रास्ते में जो मैं खाना बांटता हूं सैटरडे संडे को, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से खाना ले जा नहीं पाता। अब पुनीत का बस यही लक्ष्य है कि उनके पागलपन से लोग हंसते रहें, और उससे भी जो पैसे आएंगे वो भी पुनीत बांट देंगे। जो भी मेरे पे अमाउंट आता है, 10,000 रुपए मेरे पे कहीं से आए, 5,000 रुपए मैंने खाना बांट दिया, 5,000 रुपए मैंने अपनी जेब में डाल दिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा पुनीत एक संस्था खोलना चाहते हैं, जहां वो दिल्ली के गरीबों को खाना और कपड़े दे सकें। वेल इस डील जीत लेने वाली बात पे फैक्ट भाई ये पॉइंट पुनीत को देगा। यानी अब स्कोर है इक्वल। तो भाई लो, चाहे फैक्ट भाई के कटघरे में इनका टाई हुआ हो, लेकिन अब फैक्ट भाई ये फैसला आप पर छोड़ना चाहेगा। तो कमेंट करके जरूर बताना स्टैन या पुनीत सुपरस्टार, जिसके साथ इनके साथी बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में भी जानिए इस आई बटन पर क्लिक करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।